अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ महनूर मेराज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पीटीआई हुकूमत केपीके में दो बार बरसर इक्तदार आने के बाद इस बार पीटीआई को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो इंतखाबात बल्दियाती इंतखाबात जीतने में नाकाम हो गई और मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम की तहरीक चलाने में जो किरदार अदा किया था, लीडरशिप का किरदार अदा किया था, उसकी वजह से मौलाना फजल रहमान को जीत का सामना करना पड़ा और जेयूआई को उस तहरीक चलाने का फल भी मिल रहा है। और साथ ही साथ ये बलदियाती इंतखाबात ना जीतने की बड़ी वजह पीटीआई की एक महंगाई भी मानी जा रही है, क्योंकि जितनी महंगाई पीटीआई की हुकूमत में हो रही है उसके देखा जाए तो महंगाई की वजह से अवाम इतने आजिज़ आ चुके हैं और उन्होंने पीटीआई को वोट देने की मुखालफत की है। हुकूमत जितनी नाकामी का सामना करना पड़ा है हुकूमत को इस इलेक्शन में, और उसके साथ साथ या फिर एक और चीज़ भी सामने आ रही है कि पीटीआई का मुकाबला देखा जाए तो इस बार पीटीआई के साथ ही था। इनके पार्टी के अंदर के लोग ही आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे, जिसकी वजह से पीटीआई को इस इलेक्शन में नाकामी का सामना करना पड़ा। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। आगे चलकर बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज़ की एक ऑडियो टेप फिर लीक हुई है, जिसमें उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो बेहतरीन माहिर हैं मीडिया को मैनेज करने के लिए। उनकी जानिब से कहा जा रहा है ऑपोजिशन अपने अल्टरनेट पार्टी के बारे में कि वो उन्होंने ऐसी की तैसी करके रख दी है और वो मीडिया को अच्छे से मैनेज करती हैं। अब मरियम नवाज़ की ये ऑडियो टेप कितनी हकायक पर मबनी है, प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। आगे चलकर बात करेंगे पंजाब में स्मोक के बढ़ते डेरे ख़त्म ना हो सके और हुकूमती इकदाम भी बेसूद नज़र आ रहे हैं और इस स्मोक से सांस की बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। हुकूमती इकदाम नाकाफ़ी हैं जिसकी वजह से स्मोक पर काबू नहीं पाया जा सका और हुकूमत को अब किस तरह के इकदाम करने की ज़रूरत है, प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इन तमाम टॉपिक्स पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं सीनियर तज़ियाकार और कॉलम निगार नवीद अमान ख़ान साहब। नवीद साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। महंगाई के समंदर ने तहरीक इंसाफ की जीत की कश्ती तो डुबो दी, लेकिन हुकूमत ने अपनी हार खुद भी तस्लीम कर ली और केपी में हुकूमत एक बार फिर हार चुकी है और हुकूमत को एक बड़ा धचका लगा है, क्या कहेंगे सर आप? हाँ मनूर, पीटीआई की गवर्नमेंट का सूरज गुरूब होता हुआ नजर आ रहा है और अहम बात यह है कि पीटीआई गवर्नमेंट के वज़रा और वजीर आजम बजाते खुद ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई दुनिया के दूसरे ममालिक की नस्बत बहुत कम है और आज आप ये देखिए कि वही वज़रा और प्राइम मिनिस्टर ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि केपी में हमारी शिकस्त की एक मेन रीज़न महंगाई ही है। तो आप ये देखिए कि इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्शन से कुछ रोज पहले तक वजीर आजम और वज़रा ये झूठ बोलते रहे कि महंगाई पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है और अब ये उनका झूठ यहाँ पे खुल गया कि महंगाई ही उनकी शिकस्त का सबब बनी। दूसरी वजह ये हुई कि पार्टी बहुत बुरी तरह से तोड़ फोड़ का शिकार है। वजह उसकी ये है कि पार्टी पूरे मुल्क में इतनी गैर मकबूल हो गई है कि पार्टी के मेम्बरान, चाहे वो मेम्बर्स ऑफ सूबाई असेंबली हों या नेशनल असेंबली के हों, अब वो अपने लिए कोई सेफ वे एग्जिट चाहते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आइंदा आने वाले इलेक्शंस में उनकी साख बच जाए और वो शिकस्त का सामना करने से रह जाएं। और इसी वजह से वो एक दूसरे की मुखालफत भी कर रहे हैं और अपना ऐसा बयानिया देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके हल्के के वोटर्स कन्विंस हों और वो ये कह सकें कि हमने तो अपनी पार्टी से इख्तलाफ किया था और हम अपनी पार्टी से इख्तलाफ करके किसी दूसरी पार्टी में जंप करने की कोशिश में है वो। तो अब वो इसलिए अपना रास्ता सेफ देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको अगले इलेक्शन में कोई और पार्टी कबूल कर ले। ठीक है, तो नवीद साहब जानना ये चाहूंगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस इंतखाबात की शिकस्त को देखते हुए एक बात कही है कि उनकी जानिब से कहा गया कि वो खुद तमाम सूरत हाल को आइंदा मॉनिटर करेंगे और जो आने वाले अगले 16 जनवरी को इंतखाबात हैं बलदियाती, उसको वो खुद मॉनिटर करेंगे, क्योंकि उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि पार्टी के अंदर ही तोड़फोड़ हुई और पीटीआई का मुकाबला पीटीआई के साथ हुआ। तो सर, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद ही मॉनिटर करना है तो फिर ये जो तमाम मुशीरान हैं, वज़रा, इनका क्या काम है? देखिए, यही वो बात है जो वर्स्ट गवर्नेंस की तरफ इशारा करती है, लेकिन अब हकीकत यह है कि जी का जाना ठहर गया। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर ने बलदियाती सतह के इंतखाबात को मॉनिटर करना है
तो इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, बलदियाती इदारों का क्या काम है, इस तमाम मैकेनिज्म और इस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या काम है, और उन तमाम मेंबरान का, उनके सियासी साथियों का क्या काम है जो इस इन इलेक्शंस में हिस्सा लेने जा रहे हैं या हिस्सा ले रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बदकिस्मती से जिस चीज का भी नोटिस लेते हैं या जिसकी निगरानी करते हैं वो चीज उनके हाथ से निकल जाती है। बिल्कुल तो सर। अब आप ये देखिए कि केपीके में 8 साल इकतदार, 8 साल से ज्यादा हो गए हैं, और होना तो ये चाहिए था कि केपी का एक बहुत ही नादर मौका था पीटीआई के लिए, वहां पर इन्होंने कहा कि हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, लेकिन आज हालत ये है कि उनका वो स्ट्रांग होल्ड जिसकी बुनियाद पर उन्होंने पूरे मुल्क में अपना इकतदार कायम किया, उसने उनको नॉकआउट कर दिया है। और सो मच सो जो पिशावर का के मेयरशिप का फैसला है वो ये साबित करता है कि पीटीआई इस कदर गैर मकबूल हो गई है कि अगले इलेक्शन में वो तस्वर भी नहीं कर सकते कि वो इलेक्शन जीत सकें। और इसमें सबसे अहम बात ये है जी कि यहाँ पर जो बहुत ही खुशाइंद बात है, यहाँ पर हमें इदारे वाकई न्यूट्रल होते हुए नजर आते हैं, और उन्होंने ये तय कर लिया कि हम अब सियासी मामलात में एक दूसरे को ज्यादा फेवर नहीं कर सकते। अब आपने अगर अपना बोझ उठाना है तो अपने कंधों पे उठाइए और अपनी कारकर्दगी से जाहिर कीजिए, क्योंकि बहरहाल मुल्क को आगे लेके जाना है और सर कौन को मुल्क को मजीद आगे तो पॉइंट सारे करना। लेके जा सकते हैं ना, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि तमाम वुजरा तमाम मुशीरान मिलकर इसके लिए काम करें। तो फिर अगर जब वजीरों की जानिब से या मुशीरान की जानिब से नहीं कुछ किया जा रहा तो फिर इतना प्रोटोकॉल देने की क्या जरूरत है? ये देखिए अब एक हुकूमत आ चुकी, लाई जा चुकी, अब उसको जैसे तैसे वक्त पूरा करवाना भी एक मुनासिब बात होगी मेरा ख्याल है कि, लेकिन बात यह है कि अगर वो वक्त पूरा होता है उसका तो एक जमहूरी टर्म तो पूरी हो जाएगी, सो कॉल्ड जमहूरी टर्म, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि इनकी जो बैड गवर्नेंस है वो अवाम को और मुल्क को और ज्यादा जवाल की तरफ ले जाएंगी, और ये एक बड़ा ही परेशान कुन लम्हा है एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और सियासतदानों के लिए भी। सही सर, अभी जिस तरह आपने खुद कहा कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में महंगाई है तो महंगाई पूरी दुनिया में है, आलमी सतह पर महंगाई है, तो आपसे 3 महीने पहले की बात की जाए तो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात जो हुए थे उसमें भी हुकूमत जीती थी, तो सर महंगाई तो उस वक्त भी थी। अब ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत को इन बलदियाती इंतखाबात में शिकस्त का सामना पड़ा जबकि महंगाई तो अब भी है और 3 महीने पहले भी थी? देखिए जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस थे उनमें भी अपोजिशन ने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, और हर आने वाला दिन चूंकि महंगाई और बिलों में इजाफे में बदलता है और आवाम की जिंदगी जितनी ज्यादा कठिन और अजीन होती जा रही है, जाहिर है उन्हें अपनी रोटी और अपनी जात की के लिए रिलीफ चाहिए, और अगर कोई हुकूमत उन्हें रिलीफ देने में कामयाब नहीं होती तो चाहे वो कितनी ही ज्यादा उनकी मंशा के मुताबिक आई भी क्यों ना हो वो गैर मकबूल हो जाती है। सही तो हुकूमत हमें बार बार ये बताती है कि दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में महंगाई कम है और लोगों की जिंदगी आसान है, तो हुकूमत ये बताने की कोशिश नहीं करती कि पूरी दुनिया की हुकूमतें अपनी अवाम को रिलीफ क्या क्या देती हैं, उनके उनके लिए कितना सरदर्दी देती हैं, हमें सहूलतें कितनी दी जाती हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो गरीब से गरीब शख्स भी टैक्स देता है, लेकिन यहाँ पर तो अमीर से अमीर शख्स को भी वो प्रिविलेज हासिल नहीं है जो यूरोप और अमेरिका के गरीब शख्स को हुकूमती सतह पे प्रिविलेज हासिल है। सर मतलब पार्टी तोड़फोड़ की अलग की बात की जाए तो, लेकिन देखा जाए तो हुकूमत को जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है वो महंगाई है, क्योंकि महंगाई की वजह से अवाम ने पीटीआई को वोट नहीं दिया। तो आप क्या समझते हैं कि जो आगे जनवरी में 16 जनवरी को इंतखाबात होंगे बलदियाती, तो उसमें क्या हुकूमत को फिर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा? देखिए हुकूमत इसमें कोई शक नहीं कि बहुत तेजी के साथ जवाल और शिकस्त की तरफ बढ़ रही है। जनवरी में आने वाले इलेक्शंस भी पीटीआई के जवाल का सबब बनेंगे, और कोई ऐसा मोजज़ा होता हुआ नजर नहीं आता कि पीटीआई वो इलेक्शंस जीत जाए। और असल में जो जनरल इलेक्शंस होते हैं जो मुमकिन तौर पर 2022 या 23 में होंगे, उन इलेक्शंस का इन्हिसार भी बलदियाती इंतखाबात के नतीजे पर होगा, क्योंकि बहरहाल वोटर बलदियाती सतह पर ही मोबिलाइज होता है, और अगले इलेक्शंस ये जो बलदियाती इलेक्शंस में शिकस्त है ये बता रही है, ये पेश खैमा है कि जनरल इलेक्शंस में पीटीआई बहुत बुरी तरीके से हारेगी।
सही। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे अभी आपने बात किया कि हुकूमत जवाल की जानिब जा रही है, तो इस जवाल की जानिब आपकी नज़र में क्या है, आपका क्या मौकफ है, और क्या कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी अभी भी हुकूमत की जानिब से बनाई जा सकती है कि हुकूमत लड़खड़ाते लड़खड़ाते अब भी बच जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वक्त गुजर गया है, तकरीबन 3.5 बरस होने को हैं, और जो असल वक्त था कारकर्दगी को जाहिर करने का, वो था पहला साल। पहले साल में ही हुकूमत अगर एक बहुत दानिशमंदाना किस्म की बात करती और आगे बढ़ जाती, मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद करती, महंगाई को कंट्रोल करती, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लिए बड़ा अच्छा मौका था। जितने साजगार हालात पीटीआई को मिले थे, वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत आइडियल थे। हुकूमत अगर इंतकाम की सियासत ना करती, अगर पीटीआई या इमरान खान साहब इंतकाम की सियासत ना करते और मुल्क को आगे लेके बढ़ने के लिए अपोजिशन को साथ मिलाते और तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासतदानों को आगे लेके के साथ आगे बढ़ते, तो मेरा ख्याल है कि मुल्क और कौम आगे बढ़ चुके होते। लेकिन हुआ ये कि सिर्फ पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने करप्शन करप्शन का राग अलापा, करप्शन से निकला भी कुछ नहीं, और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बदनाम भी हुए, और उसी की वजह से इनका ये बयानिया भी कोलैप्स कर गया और पार्टी भी इस वक्त लटखड़ाती भी नजर आती है। तो सर जिस तरह आप इंतकाम की सियासत की बात कर रहे हैं, तो इंतकाम की सियासत तो हुकूमत की जानिब से भी कहा जाता है, अपोजिशन की जानिब से भी की जाती है, तो इसमें अवाम का मफाद कहाँ है? अवाम के मफाद के लिए ना अपोजिशन की जानिब से सूबाई लेवल पर कुछ किया जा रहा है, ना हुकूमत की जानिब से मुल्की सतह पर कुछ किया जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में बदकिस्मती ये है कि किसी भी इदारे, किसी भी फोरम, किसी भी सियासी पार्टी और हुकूमत के लिए अवाम की कोई हैसियत नहीं है, और ये बहुत ही बदनसीबी की बात है। वही अवाम 25 करोड़ के करीब पाकिस्तान की आबादी होने को है, इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में 25 करोड़ के लगभग अवाम की कोई हैसियत नहीं, कोई उनको अहमियत नहीं दी जाती, ना अपोजिशन उसको अहमियत देती है, ना हुकूमत उसको अहमियत देती है। इस्तेमाल अवाम का नाम लेके अवाम को सभी करते हैं, लेकिन अगर अवाम को सहूलतें देने और उनकी जिंदगी को आसान बनाने की बात हो, तो उसके लिए कोई भी संजीदा नजर नहीं आता। आप ये देखिए, अगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया, तो अपोजिशन ने भी तो हुकूमत को रास्ते पर लाने के लिए कुछ नहीं किया। अपोजिशन भी अगर रोना रोती रही, तो अपने सियासी किरदार की और पॉलिटिकल नंबर स्कोरिंग की, एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग भी तो की जा रही है दोनों पार्टीज की जानिब से। जी, और देखिए कि अवाम के हकूक के लिए किस सियासी पार्टी ने आकर हुकूमत के सामने एहतजाज किया और अवाम के हकूक मनवाए? किसी ने भी नहीं, इंक्लूडिंग पीएमएलएन। आप ये भी देखिए ना, सबसे बड़ी पार्टी पीएमएलएन है, तो उस पार्टी ने भी अवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए हुकूमत को ट्विस्ट नहीं किया। तो इससे पीएमएलएन को फायदा ये हुआ कि जो पीटीआई है वो अवाम में ज्यादा से ज्यादा गैर मकबूल होती चली गई, और वो उसकी गैर मकबूलियत अल्टीमेटली पीएमएलएन को और दूसरी सियासी पार्टियों को, अपोजिशन की पार्टियों को फायदा तो देती रही, लेकिन मुल्क और कौम को तो नुकसान हो गया। तो इसलिए इन्होंने, अपोजिशन की पार्टीज ने हुकूमत की मुखालफत इसलिए भी बहुत कम की ताकि ये ज्यादा से ज्यादा डी ट्रैक रहे और गैर मकबूल रहे। सर इस बलदियाती इंतखाबात में एक पॉइंट बड़ा ज़ेरे गौर है कि जेयूआई की जो जीत जेयूआई को मिली है, सर इस बलदियाती इंतखाबात में ऐसा क्या हुआ कि मौलाना फजल रहमान को जीत मिली है? और क्योंकि अगर पिछले इलेक्शन की बात की जाए तो कंटोनमेंट बोर्ड में जेयूआई को एक भी सीट नहीं मिली थी सर। तो देखिए, देखिए बात यह है कि जेयूआई एक मुद्दत से केपीके में और बलूचिस्तान में एक मकबूल सियासी पार्टी है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पीएमएलएन पंजाब में से मकबूल पार्टी है, जबकि पीएमएलएन केपीके में बलोचिस्तान में गैर मकबूल है। पीपल्स पार्टी सिंध में किसी हद तक मकबूल है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के बाकी इलाकों में गैर मकबूल है। तो ये इलाकाई पार्टियां तो बनके रह गई हैं। अब जहां तक जेयूआई का ताल्लुक है, तो जेयूआई हर आने वाले वक्त के साथ केपीके में इमरान खान और उनकी सियासी पार्टी के बैड गवर्नेंस की वजह से एक फिर उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। जबकि यही पार्टी अगर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में वो अच्छी कारकर्दगी जाहिर नहीं कर सकी, तो उस वक्त तक भी लोगों को एक आस थी कि शायद पीटीआई
री इमर्ज कर जाए और बिल्कुल अपने आप को असर्ट कर सके और अवाम के लिए कुछ कर सके, लेकिन जब वो नहीं हो सका तो ये अवाम की मायूसी की इंतहा है कि वही अवाम JUI को दोबारा से मुंतखब करने में उन्होंने उस ऑप्शन को इख्तियार किया। सही सर, 97 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि मौलाना फजल रहमान ने बलदियाती इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जीत वोट्स हासिल किए और सीटें जीती हैं और हुकूमत को डिफीट का सामना करना पड़ा? देखिए, कंटोनमेंट बोर्ड के और बलदियाती इलेक्शन में थोड़ा सा फर्क जरूर होता है, क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड एक मखसूस पढ़े लिखे उन वोटर्स का हलका है या इलाका होता है या है जिन्होंने PTI को सपोर्ट किया पिछले इलेक्शंस में। लेकिन अगर कंटोनमेंट बोर्ड में भी PTI अपने वोटर्स को काबू करने में नाकाम रही तो उसकी वजह उनकी मायूसी है। और जो JUI की बात जहां तक है, तो JUI ने मेरा ख्याल है कि पिछले 2-3 महीने में बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से मोबिलाइज किया है KPK के हलकों में, क्योंकि मौलाना फजल रहमान का जो स्ट्रांग होल्ड है वो KPK ही है। और आप देख लीजिए कि PTI की हर आने वाले दिन में जो बैड गवर्नेंस है और जो उनके बिजली गैस के बिलों के की जो और पेट्रोल में इजाफे की जो वजह है, वो उनके बहुत तेजी से जवाल का सबब बनी है। सही सर, अगर वजूहात की बात की जाए तो महंगाई के अलावा अगर हम देखें तो ऐसी कौन सी वजूहात सामने आती हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से PTI को तो शिकस्त मिल गई है, और इसके साथ साथ या फिर एक और चीज़ देखी जाए तो PDM की तहरीक इतनी स्ट्रांग थी मौलाना की जानिब से, उन्होंने इतना लीडर का किरदार स्ट्रांग निभाया है जिसकी वजह से JUI को जीत मिली है? मैं नहीं समझता कि PDM कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़ सकी है। मौलाना की लीडरशिप अपनी जगह पे, उनकी एफर्ट्स अपनी जगह पे, उनकी कायदाना सलाहियत अपनी जगह पे, और उनकी जो उनको जो कलाम में मलका हासिल है, जो कन्विंसिंग पावर उनमें है, वो तो मैचलेस है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वो वाहिद सियासतदान हैं जो बहुत ही जीरक निगाही से बड़ी मुतल गुफ्तगू करते हैं और कायल करते हैं। लेकिन PDM के फोरम पे चूंकि मुख्तलिफ पार्टीज मौजूद थी और हर पार्टी का अपना ही अपना सियासी एजेंडा और मुफाद होता है, वो उस तरीके से यकसू होकर PDM आगे नहीं बढ़ सकी। और PDM की वजह से मैं नहीं समझता कि मौलाना फजल रहमान को कोई वहां पे ज्यादा माइलेज मिला होगा। उन्होंने जो JUI की अपनी पॉलिसीज हैं और उनके वर्कर्स के काम, वो आगे बढ़े और उन्होंने अपनी वो जो खोई हुई जगह थी वो वापस ले ली। और मेरा ये ख्याल ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही है, अगर वो न्यूट्रल रही है, तो इससे ये साबित होता है कि 2018 के इलेक्शंस में भी JUI की पोजीशन खराब नहीं थी। JUI हमेशा अपने हलकों में तकरीबन 12 14 15 सीटें निकाल लेती है। तो सर, जिस तरह आप यकसोई की बात कर रहे हैं, आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो तमाम जमातें हैं PDM की, वो यकसोई की जानिब नहीं थी, तो सर मरियम नवाज की जानिब से तो कहा गया कि मौलाना की जीत हमारी जीत है, तो सर फिर यहाँ पर तो यकसोई देखी जा सकती है ना? नहीं, मैं नहीं समझता कि उनकी जीत को वो PDM की कामयाबी से ताबीर करें। असल में वो सियासतदान है और सियासी उन्होंने बात की है। जो मौलाना की जीत है वो PMLN की जीत इसलिए है कि मौलाना को इस वक्त सबसे बड़ा सियासी सहारा PMLN की तरफ से मिला है पिछले 2-3 साल में, जब से PDM बनी है। अगर उन्हें या PMLN को या PDM को किसी ने धोखा दिया या नुकसान पहुंचाया, तो वो पीपल्स पार्टी थी, PMLN नहीं थी। इस इलेक्शन में भी नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल तौर पर सियासी और मैं तो सो में सो ये भी कहूंगा कि माली तौर पर भी इमदाद PMLN की रही JUI के साथ, और वो आपने देखा कि उसका नतीजा कितना बेहतर निकला JUI के हक में। सही सर, तो पहले बात की जाती थी कि धांधली होती है हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी, तो सर क्या इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो इस बार जो इंतखाबात हुए बलदियाती लेवल पर, तो क्या वो फेयर पर मबनी थे? मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने इन इलेक्शंस को फेयर कंडक्ट करवाया है। मिसमैनेजमेंट कहीं कहीं जरूर हुई है, कुछ हादसात हुए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, कुछ मर्डर्स भी हुए, यहां तक तो हुआ। लेकिन वोटिंग के हवाले से मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की बात हुई होगी। और ये बात बहुत खुशाइंद है अगले इलेक्शंस के लिए कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इस बात को तय कर ले
कि वो सियासी पार्टियों को फ्रीली इलेक्शंस में इन होने का एक मौका देगी, तो अगले इलेक्शंस में आप ये देखिए कि अवाम अपने हकीकी नुमाइंदों को चुन लें, जिसको भी चुन लें। हम ये नहीं कहते कि नून आए या जेयू आए या आए या पीपल्स पार्टी या कोई और, जिसको अवाम चुन लें चुन लें, और जो अवाम का फैसला हो वो उसको खुशामदीद कहा जाए और उसके मुताबिक। बिल्कुल, आवाम के फैसले को खुशामदीद कहना चाहिए। नवीद साहब, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान का लीडरशिप का किरदार उनकी बलदियाती इंतखाबात में जीत की वजह भी बना है। क्या इस जीत को JUI की हम तारीख की बलदियाती इंतखाबात में सबसे बड़ी वजह कामयाबी की करार दे सकते हैं? इस पर बात करने के लिए नवीद अवान खान हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। नवीद साहब, क्या JUI की बिल्कुल, तारीख में ये बड़ी कामयाबी की वजह साबित हो सकती है? आपने दुरुस्त कहा। आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शंस में JUI अपनी KPK में और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने में भी कामयाब होती हुई नजर आती है। उसकी वजह यह है कि PMLN, पीपल्स पार्टी और PTI, तीनों बड़ी पार्टियां KPK में उतनी स्ट्रांग नहीं हैं। PTI बहुत ही कमजोर होके आपके सामने सुकड़ सुकड़ चुकी है, और वो तमाम वोट उसकी उसके हाथ से निकल चुका है। PTI के सुकड़ने से जो पार्टी री इमर्ज कर रही है या कर जाएगी अगले इलेक्शंस में, वो JUI ही होगी। और अगर PMLN पंजाब में जीत जाती है, जो कि वो जीत जाएगी, तो आइंदा आने वाले इलेक्शंस में मैं ये समझता हूं कि पंजाब की PMLN और JUI, ANP, हो सकता है कि MQM, ये सारी मिलके हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएं। सही, जो बलूचिस्तान की BNP है या वहां की जो छोटी पार्टियां हैं, वो भी अपनी अपनी सीटें हमेशा निकाल लेती हैं। तो इस तरीके से जो पार्टी इकतदार से निकलती हुई नजर आती है वो PTI और पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी, आप देखिए कि खानेवाल के इलेक्शंस में जो रिजल्ट आया उसमें जी PTI का जो सबका वो कैंडिडेट था वो PMLN में चला गया, और उसने PTI ही के खिलाफ इलेक्शन लड़ लिया और वो जीत गया। तो आप ये यहां से अंदाजा कीजिए कि उस कैंडिडेट के जो वोट्स थे वो चाहे थोड़े थे या वो पिछले इलेक्शन में वो हार गया था, लेकिन उसको जो PMLN का मकबूल वोट पड़ा तो वो वहां से इकतदार में वो सीट निकालने में कामयाब हो गया। सबसे अहम बात जो अगले इलेक्शंस की है वो है इमरान खान का शोर मचाना कि वो EVM के जरिए इलेक्शंस करवाएंगे। ये बात इमरान खान की, वो आप अपने दाम में आ गया सयाद वाली बात होगी जब इलेक्शंस होंगे EVM के जरिए, और आवाम अपनी नफरत और नापसंदीदगी का इजहार EVM पर कर देगी, और PTI अगर उसमें हार गई तो यही इमरान खान साहब और PTI किसी पर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम भी नहीं लगा सकेगी। और अगर बिल्कुल, वो धांधली का इल्जाम नहीं लगाएगी तो फिर वो खामोशी से अपनी शिकस्त तस्लीम करके इकदार से बाहर हो जाएगी, और ये तभी पॉसिबल है कि जब अवाम EVM जो सियासी पार्टियां हैं वो EVM को, मेरा ख्याल है कि आप कबूल कर लें और उस पर इलेक्शंस होने दें, और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बेहतरीन मौका है कि वो अपना हाथ खींच ले सियासी मैदान से और किसी किस्म की भी सरपरस्ती या तावन से। ठीक है, वो उनके साथ हुकूमतें बनती आगे बढ़ती हैं, लेकिन अपना अमल दखल महदूद करने से मेरा ख्याल है कि अवाम की जेन्युइन क़यादत सामने आ जाएगी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो PTI ही क्यों ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस दफा अगर EVM के जरिए इलेक्शंस में PTI हारती है तो फिर इमरान खान साहब शोर मचाने की पोजीशन में भी नहीं होंगे। सही सर। हुकूमत की नाहली तो एक जानब देखी जा रही है, लेकिन दूसरी जानब नून लीग ने एक भी इस बलदियाती इंतखाबात में सीट नहीं जीती, तो सर नून लीग किस चीज का जश्न मना रही है? अच्छा, ये देखिए, नून लीग कभी भी KPK में स्ट्रांग नहीं रही, जो कि होना चाहिए। बदकिस्मती है कौमी सतह पे कि कोई भी सियासी पार्टी कौमी सतह पे सियासी पार्टी के तौर पर सामने नहीं आई। किसी सही, जमाने में पीपल्स पार्टी थी और कभी PMLN भी थी, फिर अगर कुछ अरसा पहले PTI एक बेहतर पार्टी के तौर पर उभरी, लेकिन फिर वो सुकड़ गई। मुल्क की इंटेग्रिटी के लिए ये इंतहाई खतरनाक बात है।
आप ये देखिए कि मैं ये समझता हूं कि जब तक सियासी पार्टियां मुल्कगीर सियासी पार्टियां नहीं बनती, कौमी सतह पे तमाम सूबों की नुमाइंदगी नहीं करती और वहां पे उनकी मकबूलियत नहीं होती, तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक बात है। जो 71 के इलेक्शंस थे उसके नतीजे से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 71 में शेख मुजीबुर रहमान को बहुत वाजे अक्सरियत मशरकी पाकिस्तान में हासिल हुई थी और पीपल्स पार्टी को मगरबी पाकिस्तान में हुई थी, तो उनकी जो 164 सीटें थी शेख मुजीब की मशरकी पाकिस्तान में वो, और पीपल्स पार्टी की जो 84 सीट्स थी मगरबी पाकिस्तान में, वो दोनों सियासी पार्टियां अपने अपने मखसूस इलाकों में कामयाब हुई, जबकि होना यह चाहिए था कि मशरकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान में और मगरबी पाकिस्तान के लीडर को मशरकी पाकिस्तान में भी सीटें मिलती और इस तरीके से मिलजुल के एक कौमी पार्टी का तासुर मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका नतीजा ये निकला कि वो मशरकी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ना रहा और इसका नुकसान पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को हो गया। सही सर, हुकूमत खुद भी अब तस्लीम करती नजर आ रही है कि इस इंतखाबात में जो नाकामी का सामना करना पड़ा है इसकी वजह बैक एंड पे महंगाई थी, तो सर अब हुकूमत क्या होश के नाखून अब लेगी, क्या हुकूमत कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बनाएगी जिसकी वजह से अब उनको शायद कुछ अवाम की नजर में उनकी अहमियत उजागर हो सके? नहीं महनूर, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत में इतनी सलाहियत है या हुकूमत के पास अब इतना वक्त है, ना उनके पास इतना इतनी सलाहियत है ना वक्त है। अब वक्त और मामलात हुकूमत के हाथ से निकल चुके, महंगाई इस कदर ज्यादा हो गई कि उसकी सर अभी भी 3.5 साल गुजरे हैं, अभी भी टाइम पड़ा है। देखिए 3.5 साल होने को हैं, 1.5 साल में हुकूमत के पास कोई ऐसा जादुई काम नहीं होगा या जादुई इकदाम नहीं होंगे कि ये वापस उस सतह पे महंगाई आ सके जो 3 साल पहले वाली सतह थी। लोगों की आमदनी में कमी हुई, लोगों के अखराजात में इजाफा हुआ, अशियाए खुर्दोनोश लोगों की और जो बिल हैं वो लोगों की पहुंच से दूर हो गए, तो वो इतने नालायक हैं कि उनको उनके कंधे पे हाथ रखने वाला कोई सियासतदान नहीं है और जिम्मेदारी हुक्मरानों की ही होती है। तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई इस 1.5 साल में कोई ऐसे इकदाम कर सकेगी जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा, नहीं हो सकता, ये मुमकिन नजर नहीं आता। अगरचे इसी महंगाई के बाद जो नई हुकूमत बनेगी और कोई भी पार्टी आएगी तो वो भी बहुत ज्यादा सफर करेगी, लेकिन बहरहाल जब तक नई हुकूमत सर नहीं अगली आने वाली हुकूमत जो भी हुई अगर वो पीटीआई नहीं होती है तो सर क्या वो महंगाई को कंट्रोल कर सकेगी, आवाम की मुश्किलात को सॉल्व कर पाएगी? क्योंकि जितना इस हुकूमत ने करंट हुकूमत ने आईएमएफ की शराइत को माना है तो अगली आने वाली हुकूमत इस चीजों को ओवरकम कर पाएगी? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं नहीं समझता कि अगली आने वाली हुकूमत इतनी जल्दी और इतनी तेजी के साथ अवाम को रिलीफ दे सकेगी, लेकिन अवाम की नफरत इस हुकूमत के साथ इतनी ज्यादा है कि वो कहते हैं कि इनसे जान छुड़वाई जाए किसी तरीके से। जो महंगाई की सूरत हाल है या जो आईएमएफ के शराइत की बात हो रही है, तो इस हुकूमत ने इतना ज्यादा इन चीजों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले गई है कि अब पाकिस्तान संभलता हुआ नजर नहीं आता। पाकिस्तान के हालात ये हैं कि पाकिस्तान की पीटीआई गवर्नमेंट के जो अब्दुर्रज़ाक याकूब साहब, अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है जी। शब्बर जैदी साहब जो एफबीआर के चेयरमैन रहे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। इसी तरीके से जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो इस तरीके का इसी तरह का एक बयान दे चुके हैं। तो ये तो हुकूमत के कलपुर्जे जब पाकिस्तान के दिवालियापन की बातें कर रहे हैं, तो इससे तो जाहिर होता है कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले सालों में भी संभलता हुआ नजर नहीं आता और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही तश्वीशनाक बात है। सही, मुल्क का दिवालिया तो निकल चुका है, आने वाले सालों में भी पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन नौती नहीं दिखाई दे रही। सर दूसरे टॉपिक की तरफ आऊंगे क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जो है वो कम होता जा रहा है। मरी नवाज की ऑडियो टेप एक गर्दिश कर रही है सर, उसमें कहा जा रहा है कि ऐसी की तैसी कर दी है, और सर कितनी हकीकत पर मबनी है ये ऑडियो टेप, और ये भी बताएगा कि किसकी जानिब इशारा दे रही है वो? अच्छा ये देखिए मानूर, ये
तमाम सियासी पार्टियां, चाहे पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो या इवन मुशर्रफ साहब का दौर ही क्यों ना हो, ये तमाम लोग हुक्मरान मीडिया को ट्विस्ट करते रहे हैं अपने अपने दौर में, और मीडिया के लिए कभी भी आइडियल टाइम नहीं रहा। लेकिन बहरहाल पीटीआई का ये दौर तो मीडिया के लिए बदतरीन दौर कहा जा सकता है। अयूब खान के जमाने में बहुत एंटी मीडिया पॉलिसीज बनाई गई थी जिसका बहुत नुकसान हुआ, और या ये सबसे ज्यादा मीडिया के खिलाफ इकदाम करने वाली हुकूमत है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अपोजिशन लीडर्स अपोजिशन में हो के मीडिया के हक में बातें करते हैं, वो जब इकतदार में आते हैं तो वही मीडिया को स्क्वीज करने और मीडिया को दबाने के लिए इकदाम करते हैं। क्या पीपल्स पार्टी ने और नून ने ऐसे इकदाम नहीं किए थे? बिल्कुल किए थे, और कई सहाफी उनके दौर में भी जेर आताब रहे और कई सहाफी इदारे भी जेर आताब रहे। लेकिन आप ये देखिए कि इस हुकूमत को चाहिए था कि उन बुरी रिवायात को रिजेक्ट करते और उनको छोड़ के अच्छी रिवायात कायम करते और आगे बढ़ते। इन्होंने उससे भी ज्यादा बुरी रिवायात को कायम करने की कोशिश की, चाहे वो सियासी इंतकाम की सूरत में हो, चाहे वो सहाफती हलकों या इदारों या सहाफियों के साथ होने वाले सलूक के हवाले से हो, या उनको दबाने के या हक की आवाज को दबाने के हवाले से। तो सहाफियों के लिए तो वक्त पाकिस्तान में कभी भी अच्छा नहीं रहा। तो सर, पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि कभी किसी की ऑडियो टेप सामने आती है, वीडियो टेप सामने आती है, कभी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की वीडियो, कभी चेयरमैन नैब की वीडियो, अब ऑडियो के, और सर उसके बाद अब मरीम नवाज की एक मुबैना ऑडियो टेप। तो सर, इस तरह का ये सिलसिला, कभी ऑडियो टेप वीडियो टेप आती जा रही है, इसको कौन से ऐसे इदारे हैं जो इसको ओवरकम कर सकते हैं, जो इन चीज़ों को लगाम डाल सकते हैं? देखिए, कोई भी इदारा इसको लगाम नहीं डाल सकता। ये लोगों का, ये सियासतदानों का, ये तमाम इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्टिवली कि वो अपना कंडक्ट ट्रांसपेरेंट रखें। तो इस तरह की ऑडियोज नहीं आएंगी। असल में बात ये है कि तमाम ही सियासी पार्टियां इस तरीके से मैलाफाइड होती हैं, ऐसे मैलाफाइड इकदाम करती हैं, ऐसे फैसले करती हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि कयूम मलिक, जस्टिस कयूम मलिक की जो ऑडियो लीक हुई थी जी, तो वो एक तरफ जुडिशरी के नुमाइंदा थे, दूसरी तरफ सियासी पार्टी के थे। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के भी ऐसे इकदाम सामने आ चुके हैं, पीटीआई के भी आ चुके हैं। तो ये वो तमाम इकदाम हैं जो ये फस्तायत की तरफ इशारा करते हैं, जमहूरियत की तरफ नहीं करते। ये जमहूरियत का नाम लेने वाली सियासी पार्टियां जब इस तरह के इकदाम करती हैं तो उससे जमहूरियत को फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर जमहूरी बात हो तो फिर किसी भी जज की इस तरीके से मैलाफाइड होने और उनकी फेवर करने की वीडियो या ऑडियो सामने ना आए। अब जस्टिस शमीम की बात कर लीजिए, तो जस्टिस शमीम का जो मैटर है वो आखिर ये बात हुई है तो उन्होंने की, चाहे वो उसके बाद 3 साल के बाद उनका जमीर जागा, लेकिन बहरहाल जागा तो सही ना जी। तो ये वो तमाम चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। इससे सियासी पार्टियों का किरदार दागदार होता है, और उनका किरदार दागदार होता है तो अवाम मायूस होती है, और हमारी अवाम के पास और एस्टेब्लिशमेंट के पास भी कोई चॉइस नहीं रहती। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्हें अपने किरदार पर, अपने कंडक्ट पर नजरसानी करनी चाहिए। बिल्कुल, इनको अपने किरदार पर नजरसानी करनी चाहिए। सर, दूसरी दुनिया पर कैसा इम्पैक्ट जाता है इन लोगों का, क्योंकि इस मुल्क के सियासतदान इस तरह के हैं, कभी किसी की ऑडियो वीडियो लीक होती जाती है, तो सर जमहूरी निज़ाम पर इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, हमारा जमहूरी निज़ाम काबिल एतबार नहीं रहता। ये तमाम ऑडियोज जो आ रही हैं, फर्ज कर लेते हैं कि अगर पीएमएलएन के हक में आ रही हैं और वो पीटीआई के अगेंस्ट जा रही हैं, तो ये तमाम चीजें फिर कोई पीटीआई की तरफ से निकल आएगी, वो पीएमएलएन के को एक्सपोज करेगी। ये वो तमाम तरीके हैं जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इख्तियार करती रही हैं एक दूसरे के राज जानने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से कोई खास फायदा नहीं होता। इनको अपना कंडक्ट बेहतर कर लेना चाहिए। ये जो गैर जमहूरी तरीके इख्तियार करती हैं पार्टियां, वो गैर जमहूरी तरीके मुल्क को और अवाम को फायदा नहीं देते। सही सर, ब्रेक पे जाने का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपसे एक और बात जानना चाहूंगी कि इस ऑडियो टेप से खुद मुस्लिम लीग नून पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और दूसरी जानब जिनकी जानब मुस्लिम लीग नून की जानब से कि नायब सदर मरीम नवाज की जानब से बात कही गई है, तो सर उस पर क्या नुकसान पड़ेगा, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, सर उस हवाले से बताइएगा।
मेरा ख्याल है कि ये जिसको कहते हैं ना कि ज्यादा मेस क्रिएट होगा इस तरीके से, इसका कोई फायदा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सियासतदान को अब वीडियो वीडियो और ऑडियो ऑडियो खेलने की बजाय उनको अपने कंडक्ट से, अपने किए हुए वादों से, अपने दिए हुए बयान पर चेक रखना चाहिए और ये उनको तवज्जो देनी चाहिए कि क्या वो अपनी की हुई बातों के साथ खड़े हो सकेंगे आइंदा आने वाले इलेक्शन में। सही। वह ये है बदनसीबी से कि इस तरीके के हथकंडों से हम एक दूसरे को बदनाम तो करते रहते हैं सियासतदान या मुख्तलिफ लोग या इदारे। होना ये चाहिए कि आप वो बयान दें, आप वो होमवर्क करें, आप वो एजेंडा दें जिसको आप बाद में इलेक्शन में कामयाब होने के बाद पूरा कर सकें। और आप ये देखिए कि अगर पीटीआई इन 3.5 साल में आवाम को कुछ नहीं दे सकी तो 3.5 साल में किसी और सियासी पार्टी ने भी आवाम को ये नहीं बताया कि पीटीआई को रिप्लेस करके वो आवाम को क्या देगी। बिल्कुल। देखिए ना, पीएमएलएन ही को ले लीजिए, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी पीएमएलएन ही समझी जा रही है क्योंकि उसका स्ट्रांग होल्ड पंजाब है और पंजाब में जो पार्टी जीतती है वही इकतदार में आती है। तो क्या पीएमएलएन ने एक दफा भी ये बताया कि हम इलेक्शंस में अगर कामयाब हुए तो मुल्क को कैसे आगे लेके जाएंगे? सर, हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से सिर्फ तनकीद ही तो की जा रही है, एक दूसरे पर इल्जाम की बौछार की जाती है। नवीद साहब, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में बढ़ती स्मोक पर काबू नहीं पाया जा सका, हुकूमती इकदामात भी बेसुध नज़र आ रहे हैं। टेलीफोन पर नवीद अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानूंगी। नवीद साहब, पंजाब में बढ़ती स्मोक बढ़ती चली जा रही है, बीमारियों में भी इजाफा होता जा रहा है, हुकूमत क्यों इकदामात नहीं कर पा रही? अच्छा, ये स्मोक का ताल्लुक पोल्यूशन से भी काफ़ी हद तक है। अगर हुकूमत या हुकूमतें दरख्त लगाने में कामयाब होती, ट्रैफिक के मामलात को कंट्रोल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो जो तमाम स्मोक है जो इंडस्ट्रीज से और गाड़ियों से एमिट होता है वो फिजा में ना जाता और उससे जो गले की और सांस की बीमारियां और मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो रहे हैं वो ना होते। सबसे अहम बात ये है कि लाखों की तादाद में गाड़ियां लाहौर के सड़कों के ऊपर आपको दिन रात मूव करती हुई नजर आती हैं और उनमें से तकरीबन 80% गाड़ियां वो हैं जो जिनका कोई फिटनेस टेस्ट नहीं होता, जो कार्बन और दूसरे जो मुजर सेहत पार्टिकल्स हैं वो सड़कों पर फिजा में बिखेरती रहती हैं सारा दिन। चाइना में ऐसा होता है कि अगर किसी शख्स के पास 4 गाड़ियां हैं तो उसको इजाजत नहीं होती कि वो 4 की 4 गाड़ियां सड़क के ऊपर ले आए। उसका रिकॉर्ड हुकूमत के पास होता है और हर गाड़ी का एक टाइम तय होता है कि आप इतने घंटे इस गाड़ी को सड़क पर ला सकते हैं, बाकी 3 गाड़ियां आपकी सड़क पर नहीं आ सकती क्योंकि वो आती हैं तो फौरन स्कैन हो जाती हैं सड़कों पर और पता चल जाता है कि ये दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है जिसकी इजाजत नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर ट्रैफिक का रश नहीं होता और स्मोक एमिट नहीं होता ज्यादा। और फिटनेस टेस्ट उनका हर महीने होता है, पूरी दुनिया में बरतानिया में भी हर गाड़ी का हर महीने फिटनेस टेस्ट होता है और उसको वो सर्टिफिकेट लेके ही वो सड़क के ऊपर आ सकती है। हमारे यहाँ ये होता है कि 40-40 साल से गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं हासिल करती और वो सड़कों के ऊपर धुआं और बीमारियां भी फैलाती रहती है। तो एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि जो दरख्तों की बात हुई और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने 1 अरब दरख्त लगाए, तो वो 1 अरब दरख्त तो हमें पूरे पाकिस्तान में कहीं लगे हुए नजर नहीं आए। मतलब ये इतनी ब्लाइंड बात है कि 1 अरब दरख्त आपने किस जगह पे लगाए, उसको बताना, उसका कोई तरीका बताना चाहिए ना कि हमने फला फला जगह पे शाहराओं में शहरों में दरख्त लगाए। लाहौर तक की बात ही अगर आप देख लीजिए तो लाहौर इतना बड़ा शहर है, वहां से भी करोड़ों की तादाद में दरख्त जो लगे हुए थे पार्कों में और सड़कों के किनारे वो खत्म हुए, वो काटे गए। अब उनको दोबारा क्यों नहीं लगाया गया? ये वो तमाम चीजें हैं जो हुकूमतों की जिम्मेदारियां होती हैं इन तमाम मामलात को आगे लेके जाने के लिए, और हुकूमत की और आवाम की सेहत और जानमाल की हिफाजत हुकूमतों ही की जिम्मेदारी होती।
सही सर, स्मोक से सबसे ज़्यादा लाहौर मुतासर हुआ है, उसका एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो भी कम नहीं होता दिखाई दे रहा। तो क्या शजरकारी मुहिम जो हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही है, इससे इस्लामाबाद में तो दरख्त नज़र आ रहे हैं, लगाए जा भी रहे हैं, तो लाहौर में ऐसी क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से लाहौर में शजरकारी मुहिम नहीं चल रही और एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और स्मोक पर भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा? देखिए, इस्लामाबाद में भी दरख्त उस तादाद में नहीं लग रहे, वो इक्का दुक्का अगर तरख लगाए जा रहे हैं तो 200-400-500 दरख्त या 1000-2000 दरख्तों से फिजा में आलूदगी कम नहीं होती। ये तो जंगल के जंगल आबाद करने पड़ते हैं। हुकूमत ने जंगलात को आबाद करने की बातें तो बहुत की। अलमिया ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को या इनकी पार्टी को बातें करने का तो बहुत शौक है लेकिन अमल नहीं करते। अगर ये जंगलात ही आबाद कर देते, देखें 5 या 3.5 साल में जंगल लगाने में तो कोई जोर नहीं लगता ना। एक जंगलात का बिल्कुल पूरा महकमा पूरे मुल्क में मौजूद है और उस महकमे वो सूबाई सतह पे भी मौजूद है, तो उस महकमे ने कितने जंगलात लगाए या कितने दरख्त लगाए। अगर वो लाहौर या उसके मुजाफात में या उनके पार्क में या उनकी सड़कों के किनारों पे दरख्त लगाते और लोगों में ये अवेयरनेस भी पैदा करें और बल्कि उनको मुफ्त दरख्त पौधे फराहम करें। आप जब कीमतन फराहम करते हैं तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं होती। आप अगर एक चीज कायम करना चाहते हैं तो एक हुकूमती सतह पे ऐसी नर्सरियां बना दें कि वहां से लोग जितने दरख्त लेके जाना चाहें ले जाएं, सर, फ्री हुकूमत ऑफ ने तो कॉस्ट ले मुफ्त जाएं। में सिर्फ महंगाई दी है जिसका खुमियाजा आवाम भुगत रही है। देखिए, बात यह है कि आपने मुल्क को मुख्तलिफ अजाबों से बचाना है जिसमें एक पोल्यूशन और बीमारियों का अजाब भी है। अगर आप ये तय कर लें कि हमने यहाँ कोई भी शख्स फलां जगह से, ये पॉइंट्स हैं पूरे शहर में, यहाँ से लाखों करोड़ों की तादाद में दरख्त छोटे छोटे पौधे पड़े हुए हैं, ये जो शख्स लेके जाना चाहे ले जाए। आखिर वो जो शख्स भी वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएगा वो जी कहीं तो लगाएगा, तो जहां भी लगाएगा उसका मुल्क को फायदा हो जाएगा। सही सर। सर तो फिर हुकूमत को किस तरह के इकदाम अभी करने की ज़रूरत है और अमली इकदाम को जामे बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक और चीज़ भी है कि मुल्क को सांस ले इस स्मोक की वजह से सांस की बीमारियों में भी आवाम जो है मुबतला हो रहे हैं। इसके साथ साथ कोरोना की नई लहर ओमिक्रॉन ने भी इस मुल्क में पंजे गाड़े हैं, इसके केसेस भी रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। तो किस तरह की हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए सर? देखिए, बात यह है कि हुकूमतें बदनीयत होती हैं और पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हुकूमतों की बात कर रहा हूं, दुनिया में ऐसा नहीं होता। जो हमारी हुकूमतें हैं या हमारे हुक्मरान हैं वो चाहते हैं कि अवाम के मसाइल, तालीम के मसाइल भी रहें, सिविक इश्यूज भी रहें, सेहत के मसाइल भी रहें। वो पाकिस्तान के लोगों के मसाइल को हल करने में हमारे हुक्मरान कभी भी दिलचस्पी नहीं रखते। आप ये देखिए कि अवाम का हक है कि अवाम से टैक्स लिया जाता जी है तो उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, अवाम से टैक्स लिया जाता है तो उनकी जान माल इज्जत आबरू उनकी तालीम का ख्याल रखा जाए। जब आप सेहत के मामले में ऐसे इकदाम नहीं करते और करोड़ों की तादाद में अवाम की सेहत खराब होती है तो सही, हमारे आवाम को हुकूमत हमारी हुकूमत को आवाम के लिए सेहत के मसाइल हल करने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि वह आवाम की मुश्किलात को कम कर सके, बल्कि अपोजिशन पर और अपोजिशन को हुकूमत पर तनकीद को कंट्रोल करना चाहिए। इन तमाम सूरत हाल पर टेलीफोन पर हमारे साथ सीनियर तजियाकार और कॉलम निगार नवीद अमान खान साहब मौजूद थे। सर, आपके कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मानूर मेराज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।